हेलो फ्रेंड्स, तो मैं युगा कुलकर्णी इस वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ कि कॉम्पैक्ट पाउडर घर पर कैसे बनाएं। तो चलिए, कॉम्पैक्ट पाउडर बनाने के लिए जो जो मटेरियल यूज़ होता है वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये एक बाउल में मैंने एक पाउडर ली है, वो थोड़ी जमी हुई है। ये पाउडर आप पॉन्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास ये पाउडर हो तो आप ये भी पाउडर यूज़ कर सकते हो, और ये अगर नहीं आपके पास है तो आप पॉन्ड्स यूज़ कर सकते हो। पॉन्ड्स पाउडर तो सबके घर में अवेलेबल होंगी ही। तो चलो नेक्स्ट, ये मेरे पास एक खाली कंटेनर है कॉम्पैक्ट पाउडर का, ये मैं इसमें रखने वाली हूँ। एक स्पून लेते हैं, एक बाउल और एक वाटर ग्लास जिसमें मैंने हाफ पानी लिया है। तो चलो स्टार्ट करते। पहले मैंने इस बाउल में पूरी पाउडर ले ली है, अब इसमें थोड़ा पॉन्ड्स की पाउडर मैं ऐड करने जा रही हूँ। अब देखो, अब मैं इस पाउडर को थोड़ा मिक्स करूँगी, ये देखिए मैंने पूरे पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमने पाउडर को मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी। अब ये मिक्स करेंगे, और थोड़ा पानी डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालीजिए, नहीं तो ये बहुत ही लिक्विड हो जाएगा। हमें थोड़ा लिक्विड ही बनाना है, ज़्यादा भी लिक्विड नहीं, ज़्यादा भी सॉलिड नहीं। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ। नाउ यू कैन सी दिस, आप देख सकते हो हमारी पाउडर बहुत लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो गई है। अब इस देखो, ये ग्लास था, मैंने हाफ वाटर लिया था, उसमें से मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है। अब ये पाउडर हमारी सैचुरेशन लेवल में आ गई है। अब ये हमारी पाउडर बन चुकी है, अब इस पाउडर को मैं इस कंटेनर में डालूँगी। ये आप घर पर डालिए, ये आप देख सकते हो मैंने इस बॉक्स में, इस डब्बी में मैंने इस पाउडर को डाला है। अब ये थोड़ा हम लेवल बनाएंगे इसकी, ये देख सकते हो आप, ये पूरी इसकी लेवल बन चुकी है। इसको आप थोड़ा यूज भी कर सकते हो, ये देखो आप देख सकते हो मैंने पाउडर लगाई है मेरे हाथ में। अब इसको आप क्रीम जैसे घुमा सकते हो, मॉइस्चराइज कर सकते हो। ये आप देख सकते हो मेरा हाथ एकदम चमक चमक रहा है। अब इस कॉम्पैक्ट पाउडर को आप एक डब्बी में लेने के बाद इसको बंद कर दीजिए, और एक दो दिन इसको धूप में रख लीजिए, ये आपकी कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स।